हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्सचेरियर। माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी आपके लिए अपलोड कर देता हूं। 20 मार्क्स इजीली आप गेन कर सकते हो, क्योंकि 20 मार्क्स आपको इजीली लाना है। तो मैं क्या क्या करा रहा हूं आसानी से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे बुरदा, यहाँ पे माने कीचड़, यहाँ पे लिख सकते हैं वर्षम तो रोड लन्नी बुरदा गा मारा, ये लिख सकते हैं। मतलब बारिश की वजह से पूरे रोड़ा कीचड़ फैल गया। बतु की उड़छो माने लाइफ को ढकेल के लेके जाना, तो यहाँ पे लिखना पेदा वाल्लू गरीब लोग, पेदा वाल्लू जीवितानी बतु की उड़छो को पोतुनारो, ये आप लिख सकते हैं यहाँ तक ऐसा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए। निंगिलो नक्षत्रालो मिलमिला मेरुस्तुन्नाई, आसमान में तारे जगमगा रहे हैं। निंगी माने आसमान, आकाशम बी। वानल बागा कुरुस्ते पंडल कुरता उंडदु, बारिश अगर अच्छी हो गई तो फसलों की कमी नहीं होती। इसका मीनिंग लिखना है कुरता, कुरता माने तक्कुआ कम, ये इस तरह आप लिख सकते हैं। पद्ममु कोलनुलो विकसिस्तुंदी, लोटस फ्लावर कहाँ पर एक तालाब में खिलता है। गीता गीसेना पदानी की ब्रैकेट लो, इसके अंदर क्या लिखना है पर्याय पद लिखना, सेम मीनिंग। पद्ममु, पद्ममु का एक और मीनिंग क्या होता है सरोजमु तारमु रहे होगा। सूर्यकांति एंतो मंचदी, सूरज की रोशनी बहुत अच्छी है। इसका पर्याय पद लो सूर्यकांति, सूरज की रोशनी, तो यहाँ पर आप दीप्ति वेलुगु लिख सकते हैं। गाली अने पदानी के नाना अर्थालो, गाली माने विंड, विंड के और मीनिंग क्या आ जाएंगे यहाँ पे वायु पीड़ा चमु बोल के आप लिख सकते हैं। अवरोधम माने पदानी के नाना अर्थ, अवरोधम के और मीनिंग्स क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर। अवरोधम माने अड्डू अंतपुर स्त्री, आपको यहाँ पर लिख सकते हैं। पद्ममु अनुपदानिक विकृति, पद्ममु का विकृति पद्यमु यहाँ पर आप लिख सकते हैं। रक्ति, इसका विकृति आपको लिखना है, रक्ति का विकृति रत्ता यहाँ पे लिख सकते हैं। अब व्याकरण हम देखें, राधा आनंदंगा पाड़तुंदी, राधा खुशी से गा रही है। राधा क्या होगा, ये नामवाचकम होगा या सर्वनामम होगा या विशेषणम होगा, तो आपको लिखना है। गीता गीसना पदम ये राधा तो नामवाचकम होगा। वाड़ू पाठालु चदी बड़ी वेलाड़ो, वो लेसन्स पढ़ के स्कूल को गया। इसके अंदर ए क्रिया चदिवी, चदिवी कौन सा क्रिया है आपको पहचानना है। चदिवी यहाँ पे असमापक क्रिया है डी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, माने धनलु माट तपर ए क्रिया, जो इज्जतदार लोग होते हैं वो अपनी बात नहीं बदलते, ये कौन सा क्रिया है। माने धनलु माट तपर, ये पूरा समापक क्रिया है सी। नान्ना पुलानी की वेलाड़ो नान्ना पुलम दुनाड़ो, नान्ना इसको मिला के लिखना है, नान्ना पुलानी की वेली नान्ना पुलम दुनाड़ो लिख सकते हैं। तो इसके अंदर नाना पुलानी की वेली पुलम दुनाड़ो ये लिख सकते हैं डी। अम्मा अड़गु जाड़लो नाना नड़ुस्तुनाड़ो, माँ के बताए हुए रास्ते पे फादर चल रहे हैं। गीता ये दड़ुस्तुनाड़ो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट टेंस है ये। कृष्णुड़ कंसुनी चंपेनु, गीता की तीसरा पदम ये विभक्ति, ये विभक्ति पहचानना है तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी द्वितीय विभक्ति है लिखना है। बालकुलारा पदानि विड़दियनि, बालकुलारा इसको प्लस का लगा के लिखना है, बालकुलारा बालकुलु प्लस आरा ये सी। उरंगायलु ऊरंगायलु, ये ऊरंगायलु यहाँ पे क्या होगा ऊरंगायलु यहाँ पे। रम्म स्थलम कौन सा समास है आपको लिखना है, ये विशेष है पूर्व कर्मधार है समासम। मेलु भक्षुरालु विग्रह वाक्यम, मेलु भक्षुरालु इसका विग्रह वाक्यम आपको लिखना है, तो मंची भक्षुरालु ये लिख सकते हैं। तो ये थे माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।